मूल रामायणम की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है और यह कक्षा रविवार को भी चलती है। कक्षा प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कक्षा के आरंभ में हम लोग सबसे पहले मूल रामायण का एक बार श्रवण कर लें। सुनते सुनते नमो नमः, सुनते सुनते शुद्ध उच्चारण करना आ जाता है। अब तक हम लोगों ने मूल रामायणम में बाल कांड को पढ़ चुके हैं और आज से अयोध्या कांड का प्रसंग शुरू होगा। तो पहले मूल पाठ कर लेते हैं और उसके बाद पाठ शुरू करेंगे, व्याख्या भाग को समझेंगे। जी। मूल भाग ये 19वें श्लोक का आधा भाग बच गया था, इससे आज शुरू करेंगे। मैं ही केवल पढ़ूं या कोई और पढ़ देंगे? थोड़ा कोई पढ़ दे इसको फिर आगे। जी जी पढ़ सकते हैं। कौन? कोशिश करता हूं महोदय। करिए, एक श्लोक आप चिंटू बोलेंगे, उसके बाद दूसरे का आएगा नंबर। दो श्लोक, दो दो श्लोक सब लोग पर हैं। जी महोदय। हाँ। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांगी वदाम वरम नारदम परिपप्रक्ष वाल्मीकिर् मुनि पुंगवम। ठीक, और बोलिए चिंटू, दो दो बोलना। एक और। को नसिन सांप्रतम लोके गुणवान्यकश्च वीर्यवान धर्मज्ञैश्च कृतज्ञैश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ठीक है, इसके बाद कौन? तीन चार महोदय हम बोलते हैं। बोलिए, नाम बोल लीजिए अपना। जी जी, मैं पवन प्रवीण। ठीक है। चारित्रेण च युक्तः सर्वभूतेषु पोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। रुक जाइए एक मिनट, अब बोलिए। जी जी, हम आगे। आत्मान को जित क्रोधो द्युतिमान को न शूयकः तत्सविध्यति देवस्य जात रोषस्य संयुगे। और आगे कौन बोलेंगे इसके? महोदय मैं बोलती हूँ। सीमा जी। जी गुरु जी। ठीक है। एतद् इच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम कि मे महर्षि त्वं समर्थोति ज्ञातुमेवं विदम नरम श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नर। जिनका माइक अभी कोई पीछे काम हो रहा है, लग रहा है बर्तन धोया जा रहा है, ऐसी स्थिति हो थोड़ी देर बाद पढ़िएगा, माइक बंद रखिएगा। बोलिए, कौन बोल रहे थे श्लोक? सीमा जी। एत दीक्षा में हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, इतना हो गया। आगे। महर्षि त्वं स्मर्थोसि ज्ञातुमेवं विदम नरम श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर् नारदो वचः। और आगे। श्रूयता मिति चामन चा मंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। बहुत सुंदर। ठीक, इसके बाद कौन बोलेंगे? बहवो दुर्लभाश्चैव से। और कोई है बोलने वाले?
विजय नमस्कार सर। नमस्कार। देहबो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा ते युक्ता श्रूयतां नरः इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। ठीक है। और इसके बाद श्वेता। विपुलांसो महाबाहु कंबग्रीवो नहीं यहाँ से बुद्धिमान बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान चक्षुत्र निर्भरा गांव में नेटवर्क कमजोर है। ठीक है आरती बोल रही है ना। आरती रुक जाओ तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है। ठीक और आगे कौन पढ़ेंगे रसको महेश श्वासो से कौन पढ़ेंगे। हम बदाम बोलिए मनीषा। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। करिए। महो रस को महेश्वा हो गुड़ज गुरु की प्रैक्टिस नहीं है क्षमा चाहती हूँ। महो रस को महेश्वा सो गुड़ज त्रूर निंद महा आगे अजानु बाहु सुशिरा अजानु बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। हाँ बढ़िया बोली और बोलिए। कम संविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वाक् लक्षणा। ठीक है सब लोग अब माइक बंद कर लीजिए एक तरफ से और मैं बोल देता हूँ आगे थोड़ा सा सुनते जाइए। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवस्यः समाधिमान प्रजापति समश्रीमान धातारिपुनिसूदनः धातारिपुनिसूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदा भिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। तो श्लोक संख्या 8 से शुरू होता है राम के गुणों का कथन होना। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। ये 7वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहे थे?
बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवः दुर्लभाश्च ये त्वया गुणाः कीर्तिताः। क्या कहा गया? गुणाः कीर्तिताः, गुण को कहा, और उसी गुणों को हे मुनि मैं आगे कहता हूं। यहां से शुरू करते हैं आठ में से, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, और यहां से कहते हुए नीचे आते हैं और इस श्लोक तक, श्लोक संख्या 18वें श्लोक 19वें श्लोक तक कहते हैं, 19वें श्लोक के एक दो पाद तक, दो चरण तक कह देते हैं। यहां तक गुण कथन हो गया, राम जी का परिचय हो गया, हो गया। अब यहीं तक बालकांड माना जाता है मूल रामायण में। अब अयोध्या कांड में हम प्रवेश करेंगे, तमेवम गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम से, और आज यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो आ गए अब हम कक्षा में फिर से, और अब शुरू करते हैं, शेयर करते हैं अपना संस्कृत भाषी ब्लॉग का मूल रामायणम का पाठ, और वहां से हम लोग इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। फिर यही खुल गया जी। सबसे पहले तो श्लोक पढ़ना सीखेंगे। मैं नोट आज कर लिया हूं कि किनका कितना परसेंटेज उच्चारण सही है, और मैं आशा करता हूं कि जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं वैसे आप लोग भी करना सीख जाए, यही मेरी उपलब्धि होगी, आपकी भी होगी, आ जाएगा। एक एक शब्द को बार बार उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा। इसमें यहां थोड़ी सी संधि युक्त पद यहां है, दो तीन जगह है, तो अलग अलग यहाँ नीचे अन्वय में है, उसको पढ़ लेते हैं तो जीभ सेट हो जाएगा, ठीक बैठ जाएगा, तो उसको भी, उस वर्णों को भी हम लोग पढ़ने में सफल होंगे। पीछे पीछे बोलिएगा, महीपति ही, अन्वय से पढ़ेंगे, महीपति ही। दिख गया या मैं कलर कर दूं उसको? दिख रहा है ना, ठीक है। प्रणाम प्रणाम, आप आ गई, आपका वो हो गया है, ड्यू है, आपको भी पढ़वाएंगे अंतिम। नहीं तो हम तो सुन रहे थे, वो मनीषा जी पढ़ रही थी, हम सुन रहे थे, आपने बोला नहीं तो हमने पढ़ा नहीं। असली नाम मुझे दिखा नहीं इसीलिए नहीं पुकारे, कोई बात नहीं। महीपति ही, महीपति ही, दशरथः, दशरथः, एवं, 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 गुण संपन्नम, गुण संपन्नम, गुण संपन्नम, 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 सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, गुणैर युक्तम, गुणैर युक्तम, गुणैर युक्तम, प्रकृति नाम, प्रकृति नाम, प्रकृति नाम, प्रकृति नाम, हितै युक्तम, हितै युक्तम, हितैर युक्तम, हितैर युक्तम, प्रियम, प्रियम, ज्येष्ठम, ज्येष्ठम, सुतम, श्रुतम, तम रामम, तम रामम, प्रकृति, प्रकृति, प्रिय काम्यया, प्रिय काम्यया, प्रीत्या, 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 यौव राज्येन, यौव राज्येन, यौव राज्येन, संयोक्तुम, संयोक्तुम, ऐच्छत, 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 हो गया।
अब इसी को श्लोक में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तमेवं गुण संपन्नम संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठं प्रियं दशरथसुतं प्रकृति नाम हितैः युक्तम् प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् संयोक्तुम् अलग बोल लेंगे और ऐच्छत प्रीत्या महीपति अलग बोलेंगे। मोह हलन तो हो जाएगा और ऐ अलग हो जाएगा। ठीक जी। ऐच्छत प्रीत्या महीपति यहाँ है ना, यौव राज्येन संयोक्तुम् यहाँ है ना, तो यही यहाँ भी है संयोक्तुम् ऐच्छत एक साथ मौ जो है ऐ में मिल करके संयोक्तुम् ऐच्छत प्रीत्या ऐसा हो गया है। ठीक, ऐच्छत के बाद ये प्रीत्या है। यौव राज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत प्रीत्या महीपति अब चूंकि यहाँ से अयोध्या कांड शुरू हो रहा है और कहानियां अब शुरू हो रही है। अभी तक तो गुण कथन कह रहे थे और गुणों के लिए एक एक शब्द आ रहे थे, क्रियावाचक शब्द नहीं मिल रहा था, बहुत कम मिल रहे थे क्रियावाचक शब्द। अब करीब प्रत्येक श्लोक में या दो श्लोक के बीच में एक क्रिया शब्द अवश्य मिलेगी, तो सबसे पहले हमें इसमें क्रिया कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। तो क्रिया सबसे अंतिम में लाते हैं ऐच्छत। ऐच्छत क्रिया ऐच्छत, हाँ इच्छा किया अर्थ होता है। हाँ ऐच्छत, तो क्या इच्छा किया बेटा, कौन इच्छा किया, ये सभी मन में प्रश्न उठते हैं। इसी का समाधान हम श्लोक में ढूंढते हैं। तो पहले शुरू में बताया था कि जब क्रिया है कोई न कोई उसका कर्ता अवश्य होगा, क्रिया है तो कर्ता अवश्य होगा उसका। तो कहा ऐच्छत, कौन इच्छा किया, तो क्या उत्तर आएगा, महीपति ही। यहां से हम निकालते हैं अब तमेवं गुण संपन्नम राम सत पराक्रमम, ये सब द्वितीय विभक्ति है। ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर युक्तम प्रियम दशरथः, दशरथः प्रथमा है और कर्ता में प्रथमा भी। आवाज बंद कीजिए माइक म्यूट करके। तो यहां पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इतना डायरी में नोट कर ले। ठीक, कर्ता में कौन विभक्ति होती है, प्रथमा। और दशरथ शब्द का प्रथमा एक वचन में, क्योंकि क्रिया भी एक वचन का ही है, इतना थोड़ा संस्कृत पढ़ना पड़ेगा कि एक वचन की क्रिया है, यदि बहुवचन की क्रिया होगी तो बहुवचन कर्ता आएगा, द्विवचन की क्रिया तो कर्ता भी द्विवचन, ये थोड़ा जानना पड़ेगा तो अर्थ लगाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों में से जितने लोग हैं उनका ग्रामर थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा क्या है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ, डायरी में लिखेंगे तो फायदा करेगा और किताबों को भी आप समझ लेंगे।
आरती के लिए ज्यादा उपयोगी है ये चीज, किसी भी श्लोक का अर्थ करना। वो आगे पढ़ेगी अभी, तो उसको वो इस पद्धति से पढ़े तो आगे बहुत आसानी से पढ़ती जाएगी। ऐच्छत क्रिया है और इसके लिए कर्ता ढूंढते हैं, तो दशरथ हमें कर्ता है और दूसरा हम महीपति, ये एक कर्ता मिलता है। महीपति शब्द से महीपति बनता है, तो महीपति ही दशरथ कीदृश, ये महीपति ही जो है दशरथ का विशेषण है। किस प्रकार के थे दशरथ? तो महीपति थे दशरथ। तो महीपति दशरथ इच्छा किए, इतना तो हो गया। महीपति ही दशरथ ऐच्छत, हुआ स्पष्ट? कैलाश जी स्पष्ट हो गया ये जी? इच्छा किए, कौन इच्छा किए? ऐच्छत यहां से निकाला और ये हो गया ऐच्छत। और फिर कर्ता खोज लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कोई विशेषण तो नहीं है। इसमें दो प्रथमांत पद मिला, एक दशरथ और दूसरा महीपति ही। अब महीपति ही जो है दशरथ का विशेषण है, राजा दशरथ। इच्छा किए, अब फिर मन में जिज्ञासा है, आकांक्षा हो रही, क्या इच्छा किए? तो कहते हैं अब इसके बीच का जो सेंटेंस होगा वो आपके हिसाब से इसको बैठा सकते हैं, कई ढंग से बैठा सकते हैं, अन्वय कई ढंग से कर सकते हैं। कहते हैं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। अब सत्य पराक्रमम विशेषण है राम का, द्वितीय विभक्ति यहां है। सत्य पराक्रमी गुण संपन्न राम को, ये अर्थ होगा। द्वितीय विभक्ति का क्या होता है? को। राम जी कैसे हैं? सत्य पराक्रमम, पराक्रम। उनका पराक्रम कैसा है? पराक्रमी सत्य पराक्रम है। और वो पराक्रम कैसा है? सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रम है। डपोर संत नहीं है कि बहुत हाँक लिए और हाँ बहुत हाँक लिए और कोई उसमें कुछ है नहीं, ऐसे नहीं है। उनका जो पराक्रम है वह सत्य है, सत्य पराक्रम रामम। और एवं गुण संपन्नम रामम, इसमें तम एवं, तम रामम एवं गुण संपन्नम तम रामम। एवं मने इस प्रकार के गुण संपन्न राम को, इतना अर्थ हो गया। राजा दशरथ इस प्रकार के गुण संपन्न राम को, किस प्रकार के गुण संपन्न राम को? श्लोक संख्या 8 से लेकर के 18वें श्लोक 19वें श्लोक के दूसरे चरण तक जो गुण उनके कहे गए हैं, उन सारे गुणों से जो युक्त हैं राम, ऐसे राम को। और देखिए द्वितीय विभक्ति ज्येष्ठम, ज्येष्ठ को। और यहाँ विशेषण है श्रेष्ठ गुणै ही युक्तम, द्वितीय विभक्ति है। प्रियम में भी द्वितीय है, ये सभी राम के लिए कहा जा रहा है। ठीक, ज्येष्ठ भ्राता वो है, ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, प्रिय है। दशरथ के क्या है? वो प्रिय है। ऐसे राम को क्या? आगे और जिज्ञासा भी है बनी हुई कि नहीं? यौव राज्येन संयोक्तुम ऐच्छत, यौव राज्य युवराज बनाने के लिए, तृतीय विभक्ति यौव राज्येन में युवराज बनाने के लिए, संयोक्तुम अर्थात नियोजित करने के लिए, ठीक ढंग से जोड़ने के लिए। राजा दशरथ इच्छा किया, ठीक, इतना तो अर्थ हो गया।
अब अर्थ इसका नहीं हो पाया, प्रकृति नाम हित ही उत्तम प्रकृति प्रिय काम्यया, ये वाक्य में नहीं बन पाया। अभी तक बना कि नहीं बना? नहीं बना। अभी तक हम लोगों ने क्रिया से शुरू किया, इच्छा किए, कौन इच्छा किए, तो महीपति दशरथ इच्छा किए। क्या इच्छा किए? तो यौवराज्य ने संयोग तुम ऐच्छत, युवराज बनाने की इच्छा किया, युवराज पद पर आरूढ़ करने की इच्छा किया। अब फिर प्रश्न होता है किसको? तो होता है उन संपन्न ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रिय राम को युवराज बनाने की इच्छा किया। यहां तक अर्थ हो गए। अब क्यों इच्छा किया? रविंद्र जी अपना माइक म्यूट कर ले, बाहर से आवाज आ रही है। सुचेता बाहर से माइक बंद कर ले, आवाज आ रही। प्रीति आप कुछ कहना चाहती हैं? वो है ना, हमको पूछना था कि जैसे ये प्रिय दशरथ लिखा है ना, तो वो प्रिय दशरथ आएगा कि प्रियं दशरथ आएगा? द वर्ग के वजह से वो नहीं, प्रिय नहीं होगा, प्रिय दशरथ नहीं होगा, है क्या ना? दरअसल आप कारक नहीं पढ़े हुए हैं तो इसीलिए आपको दिक्कत है। ये द्वितीय विभक्ति है, प्रियम, प्रियम रामम, प्रियम रामम ज्येष्ठ गुणैः युक्तम प्रिय को राम, प्रिय राम को ये कहना होगा। तो विशेषण और विशेष्य, राम के लिए प्रिय शब्द आ रहा है यहाँ, तो राम में द्वितीय विभक्ति है, इसीलिए प्रिय में भी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक, और प्रिय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो दशरथ का विशेषण हो जाएगा, दशरथ में प्रथम। हालांकि प्रिय शब्द से प्रिय बनेगा नहीं जी, प्रिय नपुंसक लिंग का है तो प्रियम ही बनेगा। वो हमारा पूछना ये है कि जो ऊपर डॉट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार। हाँ, तो वो कैसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे हम लोग सब में म ही पढ़ेंगे कि कुछ और भी आ सकता है? नहीं, म ही पढ़ेंगे सब में। हाँ हाँ, ओके, वही पूछना। युक्तम प्रियम रामम संपन्नम संयोग सब जगह। ठीक, एक थोड़ा कारक, थोड़ा सा एक अकारांत शब्द भी आप लोग थोड़ा याद कर लें, मैं आग्रह करूंगा, और जिनके पास नहीं हो तो हमसे मांगिए, हम दे देंगे। राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेन रामाभ्याम रामई, तो एक याद हो जाए ना, तो आपको दशरथा दशरथो दशरथा दशरथम दशरथो दशरथान जितने अकारांत शब्द होंगे वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उससे अर्थ लगाना आसान हो जाता है। अब यहां कहते हैं कि यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत, इच्छा किए। किस लिए इच्छा किया? प्रकृति नाम हितैः। हाँ, प्रकृति प्रिय काम्यया। प्रकृति, यहाँ प्रकृति का अर्थ प्रजा है, प्रजा की प्रिय कामना के लिए। प्रकृति का क्या अर्थ होगा? प्रजा, प्रजा के प्रिय करने के लिए, हित करने की कामना से। काम्यया शब्द तृतीय विभक्ति है तो से होगा, प्रजा को प्रिय करने की कामना से। प्रकृति नाम हितैः युक्तम, प्रकृति के हित से युक्त, अर्थात प्रकृति का अर्थ क्या किया यहां हम? प्रकृति का अर्थ यहां हम क्या कर रहे हैं? प्रजा, प्रजा, प्रजा। तो प्रकृति नाम षष्ठी विभक्ति है, रामा नाम हरि नाम, तो क्या अर्थ हो जाएगा प्रकृति नाम का? प्रजा नाम,
हाँ प्रजाओं का, प्रजाओं बहुवचन है का नहीं होके के करेंगे, प्रजाओं के बहुवचन का। और हितई हितकारक हितकारक तृतीय है, हित से जुड़ा हुआ, युक्तम बने जुड़ा हुआ, प्रजाओं के हित से जुड़ा हुआ, प्रजाओं के प्रिय की कामना से उस गुण संपन्न राम को जो सत्य पराक्रमी है, सत्य पराक्रमी राम को, ज्येष्ठ राम को, श्रेष्ठ गुणों से युक्त राम को, प्रिय राम को, अपने पुत्र राम को, सुतम रामम, उनको दशरथ जी क्या किए, युवराज पद पर आरूढ़, संयोक्तुम का अर्थ आरूढ़ुम, युज धातु है, युज धातु जोड़ने अर्थ में है और सम उपसर्ग है, संयोग तुम, इसके कई अर्थ हो सकते हैं जोड़ने के लिए, और सही अर्थ होगा प्रसंग के अनुसार आरूढ़ करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, नियुक्त शब्द में नी उपसर्ग है और युज धातु वहां भी है और यहाँ सम उपसर्ग हो गया, संयोग तुम, नियोग तुम, नियुक्ति कहते हैं ना, सब एक ही धातु से युज से बना, तो ये अर्थ आपको लग गया होगा बिना हिंदी पढ़े हुए। तो ऐसे यदि संस्कृत को, टेक्स्ट संस्कृत को समझना हो तो आप विभक्ति को जो ही समझ लेंगे और स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेंगे, अपने आप अर्थ लगा लेंगे श्लोक का, और 50% तो लगा ही लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा आपका अनुमान, थोड़ा प्रसंग, उन चीजों को लेके अर्थ समझ में आ जाएगा। और विद्वान बनना हो तो टीका परंपरा देखिए, बड़े बड़े विद्वानों ने जो काम किया है तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, आपको संस्कृत में नहीं उलझाएंगे, हिंदी व्याख्या पर लेकर के चलते और देखते हैं यहाँ वही अर्थ किया है या मैं जो अर्थ किया हूं वही है। महीपति का अर्थ भूपति है, दशरथ का अयोध्या नरेश दशरथ हुए, सत्य पराक्रमम मने यथार्थ या अमोघ शक्ति से युक्त, सत्य का अर्थ यथार्थ है और या अमोघ अर्थ कीजिए जो कभी चूकने वाला न हो, पराक्रम का अर्थ शक्ति हुआ उससे युक्त, ज्येष्ठ गुणई है श्रेष्ठ गुणई है अति प्रशंसनीय गुणों से, ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुण ही युक्तम और ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुण ही युक्तम, ये दोनों पाठ मिलते हैं, पाठ भेद है श्लोक में, पाठ भेद है यहाँ, तो कहीं श्रेष्ठ गुणों से युक्त मिलेगा और कहीं ज्येष्ठ गुणों से, लेकिन ज्येष्ठ गुण ही युक्तम ये पाठ अच्छा नहीं है, द्विरुक्ति दोष हो जाता है, दो बार एक श्लोक में एक शब्द को जब कहते हैं तो द्विरुक्ति दोष है, इसीलिए श्रेष्ठ गुण ही युक्तम ये होना चाहिए। और मैं देखूं कौन सा पाठ लिखा है, ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुण ही युक्तम है, ठीक है। तो अर्थ यहां से देख लीजिएगा, हित मने कल्याणकारी हो गया, प्रकृति प्रिय, प्रकृति मने प्रजाओं के अनुकूल कार्य करने की कामना से, प्रीत्या मने प्रीति का प्रीत्या बना है, प्रीति मने प्रेम होता है, प्रीति पूर्वक प्रेम बस, प्रीति से प्रेम से बसीभूत हो करके प्रीति के कारण, यहां से ज्यादा स्पष्ट अर्थ ये होगा प्रीति के कारण, यौव राज्य न युवराज पद से, तृतीय विभक्ति है, संयोग तुम संयुक्त करना जोड़ना आरूढ़ करना, ऐच्छा चाहा, हो गया। अब ये समास तो थोड़ा आप लोग जो आए हैं उसके लिए थोड़ा कठिन होगा, और धातु के लिए मैं एक जगह कह रहा था संयोग तुम, युज धातु है, सम उपसर्ग है, तुमुन प्रत्यय हुआ है, तो युज समाधव है, युज कई अर्थों में होते हैं, तो युज धातु जोड़ने अर्थ में होता है। यहां स्पष्ट हो गया या कुछ और कहना शेष है मेरे द्वारा इस श्लोक में?
कौन को एक व्यक्ति अर्थ लगा करके सीमा बता दें या कोई बता दे तो मैं समझूंगा कि वो लोग कुछ समझ गए इस अर्थ को। कौन बताएंगे अर्थ? फर्दर ऐसे भी अर्थ बता सकते हैं, तम का अर्थ हो गया उस एवं मने इस प्रकार के, जो वो पूर्व में गुण कहे हैं उन गुणों से युक्त, इस प्रकार के गुण से संपन्न, सत्य पराक्रमी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रिय पुत्र राम को दशरथ ने, राजा दशरथ ने प्रजाओं के हित की कामना से उसके हितों को ध्यान में रखकर युवराज के पद पर आरूढ़ करने की इच्छा किया। अर्थ हो गया ना? कौन बोलेंगे बताइए? शब्द का अर्थ श्लोक से भी निकल जाता है, इतना है ये स्पष्ट। सीमा बताइए जी। तमेवम तम मने उस होगा, उस सह तौ ते तम तौ तान, तो तम का अर्थ द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो तम सर्वनाम है, तत् शब्द है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सर्वनाम का प्रयोग कब करते हैं? उसकी राम की जगह पे। हाँ, तो एवं गुण संपन्नम, इस प्रकार के गुण से संपन्न, इस श्लोक को जो ही पढ़ते हैं तो क्या अर्थ होता है कि उनके गुण के बारे में पहले कहा जा चुका है, बताया गया है। हाँ, उन गुणों से। हाँ, आगे। उन गुणों से युक्त रामम, राम जो सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमी, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रिय, ये सारे विशेषण हैं। और इसको पहले कह लेंगे तब अंतिम में, विशेषण का पहले प्रयोग करते हैं ना, तो विशेषण रामम के पहले द्वितीय विभक्ति वाले सबको बोल देंगे, ज्येष्ठम, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ गुणम, राम, इन गुणों से युक्त दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जो इनको युवराज बनाने के लिए युवराजेन संयुक्तम इनकी इच्छा, दशरथ की जो दशरथ ने इच्छा किया, दशरथ ने इच्छा की इनको युवराज बनाने के लिए। क्यों इच्छा किया? प्रकृति नाम हितै युक्तम। हाँ, प्रकृति के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए। हाँ, प्रजा प्रकृति नाम हितै युक्तम, प्रकृति प्रिया कामया, प्रकृति प्रजा के हित के लिए और उनके प्रिय की कामना से। जी ठीक, अर्थ बैठ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको आई? नहीं नहीं गुरुजी। तो जब ऐसे अर्थ समझ में आ जाए ना तो आप इसका भूलेंगे नहीं, और यदि अनुवाद पढ़ लेंगे, व्याख्या पढ़ लेंगे हिंदी किया हुआ, तो फिर भूल जाएंगे आप, फिर अपने से नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही करना सीखना है, थोड़ा संधि पढ़ा दिया और थोड़ा सा कारक पढ़ लीजिए, तो थोड़े कारक पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति है, विशेष विशेषण क्या है, कौन कर्ता होगा और कौन क्रिया होगी, इतना समझ गए सेंटेंस को, अब हो गया काम, चल गया। बहुत आसान है ये, बहुत कठिन था, आगे और श्लोक सब है, इसमें दो दो जो आ गया ना इससे दिक्कत हुई, एक ही श्लोक में यदि क्रिया मिल जाए तो और सरल हो जाता है। अब ये श्लोक आया श्लोक संख्या 21। अब राजा दशरथ क्या कर लिए हैं? प्रजा के हित की कामना से अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दिए। यहां तक कहानी हो गई ना? अब आगे कहानी चलते हैं, अन्वय पहले पढ़ लेते हैं फिर श्लोक पढ़ेंगे, पढ़ना भी सीखना है श्लोक को।
अन्वय यहाँ से इस श्लोक का लाल कलर में श्लोक लिखा हूं और उसके नीचे ये अन्वय लिखा हुआ है, तो इसको पहले पढ़ते हैं ताकि श्लोक पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। एक एक शब्द से परिचित हो जाएंगे तो संयुक्त वर्ण भी संधि युक्त पद भी हम पढ़ लेंगे बाद में। अथ बोलिए, पूर्वम दत्तवरा तस्य तस्य भार्या देवी कई हाँ मैं भी कई हाँ ठीक। अभिषेक संभारान अभिषेक संभारान 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 दृष्ट्वा दृष्ट्वा एनम एनम वरम वरम अयाचत 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 एक क्रिया है। अब दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। क्या रामस्य विवासनम रामस्य विवासनम यहाँ भी वाक्य पूरा हो गया। अब फिर तीसरा वाक्य है इसमें भरतस्य च भरतस्य च अभिषेचनम अभिषेचनम यहाँ पर तीन क्रियाएं है, तीन क्रियाएं आई है। और देखिए प्रीति कह रही थी मैं थोड़ा सा एक दो बार पहले भी गलत शब्द बोल चुका हूं, अभी मुझे हुआ कि शुद्ध शब्द कई कई है। नाम क्या है? कई कई। और मैं कई बार कई 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 कैया प्रिय कारणा उस समय कई के या ऐसा बोल दिया था तो वो गलत था। और कई 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 हाँ कई 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 ने कई 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 हाँ। एक मिनट रुकिए, मैं टेक्स्ट फिर से देख लूं कि मूल में गलत है या ये है, अभी भी मुझे भ्रम है, मैं एक मिनट और देख लूं। कई कई ऊपर में टेक्स्ट जो श्लोक है वही गलत लिखा है, वही श्लोक ही गलत लिखा है। बेटा एक और किताब होगी जरा निकाल के ला दो, तो मूल रामायण उस कमरे में देखो तो जहां हम लेटते हैं उसके पीछे, तो एक किताब मत देख लिया, ये गलत है लिखा हुआ मेरा, ठीक यहाँ गलत है, ठीक मूल पाठ ही गलत है, ये शब्द जो यहाँ लिखा है ये सही है, ठीक मूल पाठ ही गलत लिखा हुआ है। गुरुजी हाँ जी गुरुजी हाँ बोलिए। श्लोक में गलत है? हाँ श्लोक में ही गलत है गुरुजी, श्लोक में ही गलत है ये जो। अरे दोनों पाठ मुझे मिल रहा है, दो पुस्तक दोनों में अलग अलग पाठ, अब मैं तीसरी पुस्तक कौन निकाल के देख लूं, बाद में इसको खोजूंगा। दो किताब दोनों किताब में दो पाठ, पाठ भेद है नाम में। गुरुजी मेरे पास पुस्तक है, मैं बता रही हूँ। मेरे भी पास कई किताबें हैं बेटा, एक मिनट मैं अपने को म्यूट करूं, इसको जरा ये करता हूं प्रॉब्लम सोल्व। मैं अभी वाल्मीकि रामायण भी देख लेता हूँ और गीता प्रेस से प्रकाशित है उसमें भी देख लेता हूँ, क्योंकि सद्य परिवर्तय होना चाहिए,
21वां श्लोक है गुरु जी, मैं पुस्तक से बता रही हूँ आपको, मेरे पास है पुस्तक। किताब में भी तो गलत लिखा हो सकता है, किताब तो मैं भी देख चुका हूँ इतनी देर में, और किसी न किसी किताब का मूल पाठ ही मैं भी लेकर के किया हूँ। ये जो ऊपर में श्लोक है वो मूल पाठ से ही है, संशोधित है, और तब जा करके ये दिक्कत आ रही है, अशुद्धियां आ रही है। तो इसका मतलब कि कहीं भयंकर कुछ है। गीता प्रेस की पुस्तकों में अशुद्धियां नहीं होती है, जो मेरा टेक्स्ट ऊपर का लिखा है कई कई, ये गीता प्रेस से प्रकाशित जो रामायण है वाल्मीकि रामायण, इसमें भी यही है पाठ। देख लिया, आपको उल्टा दिख रहा होगा, वाल्मीकि रामायण ही है जी। इसमें भी देख जी, गुरु जी दिख रहे हैं। हाँ, उसमें भी देख लिया मैं, और मेरे पास बहुत सारे वाल्मीकि रामायण के ग्रंथ हैं घर में, कम से कम 5-7 एडिशन है मेरे पास, और वो नीचे वाला ही गलत है। और ये भी दूसरी एक किताब देखा था, वहां कई कई लिखा हुआ है, तो जिस किताब में हो देखेंगे, इसको विस्तार से देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में शब्द कौन है। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, दोनों को अभी मानते हैं। और मुझे भी कई कई ये यही याद में था शब्द, और ये शब्द मिल रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी। इसमें कैकेयी जो है ये क्या की है, आपके यहाँ बेटियों के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ जो चीज भेजा जाता है, बहुत सारे उपहार भेजे जाते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, हमारे मिथिला में उसको भार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भार। और उसको जो ले जाता है उसको भरिया बोलते हैं। अब अभी मुझे ये ज्ञात हुआ कि संभार शब्द है, सम उपसर्ग है, और भार शब्द है, सामग्री को भार कहा गया है यहाँ पर, संभार। संभरिया? गुरु जी संभरिया कहते, क्या कहते हैं उसको? हमारे यहाँ भरिया कहते हैं, जो ले जाता है उसको, वो जो खिचड़ी सामग्री होती है लड़कियों को, वो जो सामग्रियां होती है उसको भार कहते हैं। भार में अभी जो संक्रांति हुआ इसमें चूड़ा दही और ये सारी चीजें जाती है, तो उस सब चीज को भार उसको खिचड़ी नहीं बोलते, खिचड़ी ले भेजते हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बोलते। अब इसको तो खिचड़ी बोल देंगे, और दूसरे प्रयोजन पर गया तब क्या कहेंगे उसको, नाम बदलते रहेंगे। वो सामग्री है और सामग्री को भार कहते हैं हमारे यहाँ। कुछ भी जाएगा कहेगा ये भार आया है वहां से, और वो इतना संस्कृत का शब्द था, ये अभी मुझे ज्ञान हुआ। संभारान मैथिली में संस्कृत का शब्द है जी। तो कितना पल्लवित और पोषित की है ये भाषा, क्षेत्रीय भाषा हो या अन्य भाषाओं को जब पढ़ते हैं, और दोनों भाषाओं की जानकारी हो तब पता चलता है। भारिया मतलब पत्नी नहीं होता? भारिया मैंने पत्नी है। आप तो रह चुकी प्रीति, आप रह चुकी हैं मुंबई में ना जी, वहां मराठी चलती, और मराठी में सैलून को क्या कहते हैं पता है? सैलून क्या, वो जिधर दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं मराठी में? केस कर्तनालय। बताइए केस का जो कर्तन होता है, काटे जाते हैं, संस्कृत का शब्द है केस कर्तनालय। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। गुरुजी, केस संस्कृत वर्ड है? हाँ, केस केस है ना, केशः
संस्कृत शब्द है। मराठी में भी केश ही बोलते हैं। मराठी में 75% शब्द संस्कृत के ही है जी गुरु जी। भोजपुरी में भी केश बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। अब इस श्लोक में चलते हैं, इसमें क्रिया खोजते हैं। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात कई कई। तो दृष्ट्वा देख करके है, लेकिन ये यह जो क्रिया है ये पूर्ण क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आगामी शब्द आएंगे, यह देख कर कहा, ऐसे ही कहें एवं दृष्ट्वा उक्तवान अब्रवीत। तो दृष्ट्वा कहेंगे वहां, तो दृष्ट्वा क्या देख करके क्या आगे प्रश्न बना रहता है, तो इसीलिए ये पूर्ण क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रिया। यहां तक आएंगे, पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत। वरम अलग शब्द है, एनम अलग है और अयाचत अलग अलग है, जिसको मैंने यहाँ पर वरम अयाचत ये अलग अलग पढ़ाया आपको, और एनम यहाँ है, एनम वरम अयाचत सब अलग अलग शब्द हैं, हो गया। वरम एनम अयाचत, इसमें क्रिया जो है अयाचत है, याच धातु है मांगने अर्थ में, और अयाचत भूतकाल में यहाँ प्रयोग हुआ है। किस अयाचत किस में प्रयोग हुआ है? भूतकाल में। जब किसी क्रिया के पहले अ आ जाए ना, तो समझ जाइएगा भूतकालिक क्रिया का प्रयोग है। तो याच धातु मांगने अर्थ में है, अयाचत मने मांगा। क्या मांगा, किसने मांगा, ये सभी प्रश्न तत्काल उठता है। कहा दो बार मांगा होगा, कहा अयाचत, और यहाँ कर्ता को खोजते हैं जब, तो है कि कैकेयी अयाचत, देवी कैकेयी अयाचत। तो कैकेयी जो है यह स्त्री है, तो का कया अयाचत किसके द्वारा मांगा गया, ये होता है। किसके द्वारा मांगा गया, किसने मांगा, तो देवी कैकेयी। अब केकेई कैसी है, इसका विशेषण बताते हैं। यहाँ कहते हैं पूर्वम दत्तवरा, पूर्व में दत्तवरा, दत्तवरा का अर्थ क्या होगा जी? दत्त मने दिया, वरा मने वरदान, वर जिसको दे दिया गया हो, ऐसी ऐसा ऐसी। तो ये केकेई स्त्री है, इसीलिए यहाँ वर के जगह वरा का प्रयोग किया गया है, ठीक। दत्त वरा कैकेयी, तो उनको वचन वर वरदान वचन दे दिया गया है, पहले वचन दे दिया गया है। ऐसे ऐसी कैकेयी, किसने वचन दिया था? दशरथ, दशरथ जी ने वचन दे दिया था। तो जिस कैकेयी को पहले वचन दे दिया जा चुका है, ऐसी ऐसी कैकेयी वर मांगी। इतना स्पष्ट हो गया। और वो कैकेयी कैसी है, कहते हैं तस्य, तस्य सर्वनाम है, तत्शब्द है, षष्ठी विभक्ति, तस्य का अर्थ होगा उसकी, उसकी भार्या, भार्या माने पत्नी, किस उसका पत्नी, तस्य है तो का होगा, तस्य पुलिंग शब्द है, तो उसका पत्नी। अब हिंदी में बोलेंगे तो उसकी पत्नी हो जाएगा, पत्नी का उसकी विशेषण हो जाता है, हिंदी और संस्कृत में यही झाम है। यदि मैं उसका पत्नी कहूं तो ये वाक्य शुद्ध, और संस्कृत में तस्य भार्या लिखेंगे, तस्य जो है वह दशरथ के बदले आया है। तो दशरथ की भार्या है वह कैकेयी, देवी कैकेयी, और वो कैकेयी कैसी है जिसको दशरथ जी ने पूर्वम दत्तवरा पहले से ही वचन दे दिया है। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, पूर्वम दत्तवरा देवी, बरौ देवी औ को आव आदेश हो जाएगा,
और वो का लूप हो जाएगा क्या? चलिए देखेंगे इसको। यहाँ द्विवचन का प्रयोग है क्या? वरम, हाँ द्विवचन है, द्विवचन है, वरौ शब्द होगा। ठीक, दो वरदान दिए हैं। दत्तवरा शब्द का अभी तक मैं थोड़ा गलत बोल दिया था कि ये देवी इसका विशेषण है और इसीलिए दत्तवरा शब्द है। यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है, वरौ शब्द होगा। तो दो वर जिसको पहले दे दिया जा चुका है, ऐसे भारिया देवी केकेई वर मांगी। इतना स्पष्ट हो गया जी। क्यों मांगी वरदान, क्यों वर मांगी? अपने बेटे को बना कहा। अब कारण क्या क्या हुआ? कहता है अभिषेक संभारान दृष्ट्वा। अभिषेक मैंने समझते ही है राज्याभिषेक, राज्य का वही अभिषेक के संभार मैंने क्या होगा, सामग्री। अभिषेक की सामग्री को देखकर, अब देख करके ही वो समझ गई किस लिए अभिषेक की सामग्री आई है, वो समझ गई। सारा वृत्तांत सामने आ जाता है कि ये राम को राजा बनाना चाहते हैं। राजा पहले के श्लोक में ये संकेत मिल चुका है कि ज्येष्ठम श्रेष्ठ उत्तम श्रेष्ठ श्री रामम यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत। वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो इच्छा किए हैं। और यहाँ अभिषेक की सामग्रियों को देख करके, देख करके ये समझ गई कि ये राम को राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, अतः ये सारी सामग्री आ चुकी है। उन सामग्रियों को देख करके राजा दशरथ से, एनम दशरथम याच धातु है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दशरथ से वर मांगा, इतना वाक्य पूरा हो गया जी। किसने वर मांगा? देवी कैकेयी ने। वो देवी कैकेयी कैसी है? उर्वम दत्तवरा है। दत्वरा, पहले ही उसको दो वर दिया जा चुका है। पूर्वम दत्वरा, हाँ, जिसको पहले ही राजा दशरथ ने वरदान दे दिया हो, वरदान प्राप्त कर चुकी हो, वचन प्राप्त कर चुकी हो, वचन जी। वचन, ऐसी देवी केकेयी ने वर मांगा। और क्या है, वो क्या है, मांगने वाली कौन है? तो भारिया, पत्नी है। किनकी? दशरथ की। वो किस स्थिति में वरदान मांगती है? अभिषेक संभारान दृष्ट्वा, अभिषेक की सामग्रियों को देख करके वरदान मांगा। किससे वरदान मांगा? एनम दशरथयाचत। एनम, एनम का अर्थ होगा जो पास में होते हैं, उसके लिए क्या होता है? एशा, हाँ, एतत, एतत शब्द का प्रयोग होता है और उसी का एनम शब्द द्वितीया में बना है। तो एनम दशरथम सर्वनाम है, पास में पत्नी है तो पास में ही दशरथ रहेंगे, राजमहल में ही है और वहीं पास में ही दशरथ होंगे, उनसे वर मांग लिया। दशरथ पास में है और उनसे वर मांग लिया। क्या वरदान मांगा? तो एकदम आप अर्थ लगा लीजिएगा, क्या है? रामस्य विवासनम। क्या हुआ? राम का विसर्ग है, वासनम है, वनवास। हाँ, विगतः वासः यस्मात्, जिससे वास चला गया हो, जिसके पास से क्या चला गया हो, वास। वी को अलग कीजिए, वास को अलग कीजिए,
तो वास मने नी लगा देते हैं तो निवास हो जाता है, एक दिन बताया था। तो वस निवासे धातु है और इसको वी उपसर्ग लगा देते हैं, वहां नी लगा देते हैं तो स्थायी रूप से रहना हो गया। अब वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, बाहर को निकाल देना, विगतः जिससे वास चला गया हो उसको विवास कहते हैं। तो राम का अब इस राजमहल में वास नहीं होगा, ये उन्होंने वरदान मांगा। अब इसका एक ध्वनि अर्थ होता है कि उनको वनवास मांगा, ठीक। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विवासन का अर्थ होता है कि भैया राज्य सुख सत्ता से वो बाहर हो जाएंगे। इन ये वास तो वो प्रजाओं के बीच में भी कर रहे थे, राज्य में कर रहे थे ना, तो राज्य से निकाला दे दिया, तो राज्य से निकल गए, प्रजा के बीच में नहीं है तो कहाँ जाएंगे, जंगल ही तो जाएंगे। तो साफ नहीं लिखते हैं लेकिन अर्थ वो निकलता है, ये संक्षेप में कहना है तो संक्षेप में बात कह गए। और दूसरी बात क्या है, भरतस्य च अभिषेचनम्, भरत, हाँ भरत का अभिषेचन, अभिषेक हो गया, दोनों वर्ण हो गए जी। चलिए अर्थ हो गया, तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। श्लोक पढ़ते ही अर्थ लग जाएगा या और कुछ हिंदी उन्दी देखना है? मनीषा बताइए, मनीषा अच्छा सीमा ही बता दे। तस्याभिषेक संभारन वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्लोक पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाएगा जी, या जी, फिर जब फिर से कोई हिंदी उन्दी ढूंढेंगी कि कहीं मिल जाए तो थोड़ा अर्थ समझ लें। नहीं, क्या करें, समझ में आ गया और एक आध बार फिर हम पढ़ लेंगे तो आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब बताइए आप। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा बारिया बारिया भार्यात 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 कैकेयी, उनका अभिषेक देख के, तस्याभिषेक संभारान उसकी सामग्री को देख के, उनकी पत्नी बारियात दशरथ जी की जो ये पत्नी कैकेयी राम जी की सामग्री जो आ रही थी अभिषेक वाली, उसको देख के कैकेयी के मन में ऐसा हुआ। पूर्वम ठीक है, वरम जिसको पहले से वर मिल चुका है, जिसको पहले से वरदान मिल चुका है, ऐसी देवी जो वर पहले से ही वर ले चुकी थी, हाँ, ऐसी देवी एनम च रामस्य, सुनो जो पहले वर ले चुकी है, प्राप्त कर चुकी है, ऐसी देवी वरम एनम अयाचत, एनम मने दशरथम, दशरथ से वर की मांग की, मांग जो कर चुकी थी, नहीं वरदान जो पहले पा चुकी है, ऐसी देवी, ऐसी देवी, ऐसी देवी, देवी एनम का अर्थ होगा दशरथ से, दशरथ से वर मांगी जी। गुरु जी दोबारा मांगी वर? नहीं 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 नहीं, वो उसका यहाँ जो वर है ना, वचन अर्थ में कीजिए, पहले आयाचत, हाँ पहले राजा दशरथ से वह वचन, वर का अर्थ वचन कीजिए, वो प्राप्त कर चुकी है, वो ऐसी देवी के उसको ऑलरेडी मिला था,
हाँ तो वो वचन मिला था उसको ना, को जो मांगना है मांग लो, तो कहे कि जब वक्त आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे, तब मांगूंगी। हाँ तो उनको वचन पहले दिया जा चुका है। जी जी ऐसी देवी है वो, ऐसा नहीं है कि एकाएक कहने लगी कि अब हमको ये वचन दो, उनसे पहले वादा किया जा चुका है, ऐसी वो है कि ऐसी आप हाँ आप मुकर नहीं सकते हैं। हाँ जी विवासनम च रामस्य, हाँ विवासनम्य विवासनम जिनका सनम रामस्य विवासनम, क्या वर मांगी उनका राम जी का विवासन, हाँ विवासन और रामस्य भरतस्य रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, भरत जी का अभिषेचन अभिषेक अभिषेक ठीक। और ये च है, च इसीलिए है और राम का अभिषेक तो और भरत का राम भरत का वनवास और भरत का अभिषेक अभिषेक, ये हो गया जी। अब दो शंकाएं मेरे मन में आ गई, एक केकेई और एक दत्तवरा शब्द, ये द्विवचन का है या क्या है, जरा सा मैं देख लेता हूँ टीका में, एक मिनट रुक जाइएगा, संस्कृत टीका से शायद शंका समाधान हो जाएगा। केकेई शब्द यहाँ आ रहा है तिलक टीका में, तिलक टीका में केकेई शब्द है, अत्र केकेई इत्येव केकेई राज्ञ कनीयसी भारिया, ये कोशकार को कोट कर रहे हैं, केकेई शब्द जादे हमको अच्छा, यद्यपि केकेय शब्दात ई केकेय मित्रियु इत्यादि ना यादेर यादेश गुणे अवादि वृद्धो गीपी ये सेति चल साध तथापि अभिमासम मसम कुरिया छंदो भंगम न कारये थी न्याय ने कई कई इति प्रयोग। अच्छा क्या हुआ है, खेल समझती हैं, अब मैं बता रहा हूं हुआ क्या, बता दू केकेई और केकेई में, ये तिलक टीका में लिखा है कि शब्द तो केकेई ही है लेकिन बन सकता है केकेई भी बन सकता है, ये केकेई हाँ केकेई भी बन जाएगा, वो बनाए हैं केकेई शब्द से ये बन के हुआ है वो हुआ, लेकिन कहते हैं कि मास को मस आप लिख दीजिए लेकिन छंद भंग नहीं होना चाहिए, तो कई कई यदि लिखते तो छंद भंग हो जाता, अनुष्टुप छंद भंग होता, इसीलिए छंद की दृष्टि से कई कई यह शब्द सही है, लेकिन मूल जो सही है वह कई कई शब्द ही है सही, समझ गई। तो जब हम श्लोक में लिखेंगे, श्लोक में जब हम लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कई कई लिखेंगे, और जब हम व्याख्या लिखेंगे तो कई कई लिखेंगे, नाम ये है कई कई नाम कई, हाँ नाम ये है कई कई नाम है ठीक, लेकिन छंद खराब न हो जाए भंग नहीं हो जाए इसके लिए कई कई लिख दिया है कई कई, हाँ ये लिख दिया है श्लोक में, समझ गए जी, जी। हाँ, कहते हैं मास को मस लिख दीजिए लेकिन छंद भंग मत कीजिए, लोग समझने वाले समझ जाएंगे कि यहाँ मस नहीं मास होगा, तो वही यहाँ समझिए कि कई 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 शब्द ही है, ये समझिए शब्द वही है जी, तो ये कारण था, इसीलिए इतनी किताबें डिक्शनरी देखा और मैं सोचा कि बाद में देखूंगा, इतना किताब मुझे नहीं खोलना पड़ता एक, और चूंकि ये व्याकरण के दृष्टि से टीका लिखी हुई है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी चीज यदि मैं और टीकाओं को देखूं तो मैं देख सकता हूं कि अन्य टीकाकारों ने क्या लिखा है,
21वां श्लोक था। कैकेयी यही शब्द है और यहां पर ये दूसरी टीका है संस्कृत की। कैकेयी शब्द ही दिया है। कैकेयस्य अपत्यम स्त्री क्षत्रिय समान शब्दात् जनपदात् तस्य राजन्यपत्यवत् इत्यादि लुपी च कैकेय मित्रायुषु इत्यादि ने यादेश गुणे चादि वृद्ध वही शब्द किए हैं। गीपी तस्य कैकेयी ये दोनों रूप बनते हैं। कैकेयी भी बनता है और कैकेयी भी बनता है, दोनों चलते हैं। और वही शब्द अत्र अपिमासम असम कुरिया ये किए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दे। ओ मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, फिर कर लेते हैं। तो आज की कक्षा में तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत। और समय भी हो गए हैं 10:09 और आज की कक्षा यहीं पर विरमित करते हैं। कल प्रातःकालीन जो व्याकरण की कक्षा है उसको नहीं करेंगे। आज मैं ग्रुप पर दे दिया था संधि के कई वीडियोज, मैं YouTube चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ और उससे भी आपको मिलेगी, वहां से भी पढ़ लीजिएगा। रिपीटेशन है, यहाँ इसीलिए पढ़ा दिया था, बहुत लो लेवल का पढ़ाना था। और YouTube पर जो मेरा कल कक्षा नहीं होगी गुरुजी, कल सवेरे कक्षा नहीं होगी, शाम में होगी अपनी क्लास कल ही। और कल सवेरे रुकेंगे क्योंकि पीपीटी अभी मेरा बना नहीं है, तैयार नहीं है, मैं बनाऊंगा, उसमें समय चाहिए मुझे, सवेरे तक पूरा तैयार। गुरुजी हाँ, कल मूल रामायण की कक्षा होगी शाम को। मूल रामायण सोमवार है ना, सोमवार को कक्षा होगी। पहले सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को कक्षा होती थी, अब एक दिन और बढ़ा दिया, शनिवार को भी कक्षा करने लगे हैं। तो अब कुल सप्ताह में कितने दिन हो गए, 5 दिन की कक्षा हो गई मूल रामायणम की। और व्याकरण की जो कक्षा सुबह की होती थी वो कक्षा केवल कल नहीं करेंगे, परसों कल शाम को जब हम मूल रामायणम में आएंगे फिर बोल देंगे और ग्रुप पर भी लिख देंगे। कल हमें कुछ समय मिल जाएगा, कल मैं व्याकरण का विसर्ग संधि का थोड़ा और बता देता हूँ। और जब आवश्यकता होगी कि नहीं थोड़ा और व्याकरण पढ़ाना चाहिए, जैसे मैं आवश्यकता कारक की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ, विभक्तियों को थोड़ा बताऊं जी गुरुदेव, तो वो बता दूंगा। लेकिन मैं तो बता दूं, आप तो मेहनत करो, नहीं देखोगे जी गुरुजी। जी गुरुजी करूंगी मेहनत, एक दिन ड्रॉप कर देंगे, एक दिन आप लोग अभी धीरे धीरे कर रही हूँ जी गुरुदेव, 2-4 घंटा समय निकाल लीजिए गुरुदेव, प्रार्थना करें गुरुजी। हाँ प्रार्थना कर लीजिए जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए जी गुरुदेव। वो महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र की ध्वनि कृपया करके भेजने की कृपा कीजिएगा। जब तक आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख के नहीं दीजिएगा मैं आपको नहीं दूंगा ना जी। मैं थोड़ा हठी किस्म का आदमी, जी जी, जब तक कोई मांगता नहीं है नहीं देता हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए यदि आपको जरूरत नहीं है ना और आपको मैं बहुत दे दूं तो वो मेरा भी समय व्यर्थ जाएगा, आप तो यूज करेंगे ही नहीं, तो उस काम को करने और न करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए यदि आपको जरूरी है तो आप हमको दो बार कह दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपको दे देंगे, तब ये लगता है कि आप उत्सुक हैं। और नहीं जी जी तो कोई बात नहीं है, राम राम भजिए यहाँ बैठ करके जी। ठीक, कौन प्रार्थना आप कौन करेंगे अभी? मैं कर दूं गुरुजी। हाँ करिए। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरोह्य कविता शाखां वाल्मीकि कोकिलं वंदे वाल्मीकि कोकिलं वंदे वाल्मीकि कोकिलं। बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छा है।
हाँ आवाज भी बढ़िया है आज बहुत की मधुर वाणी। हाँ ठीक तो भारत के लोगों को शुभ रात्रि और जो विदेश में रहने वाले हैं प्रीति जी को आप लोग को शुभ रात्रि आप लोग को सुप्रभात धन्यवाद शुभ रात्रि प्रणाम गुरु प्रणाम प्रणाम गुरु जी हाँ आपके बहुत बहुत धन्यवाद वो जो क्लास आपने हमको करवा दिया ना बड़ा अच्छा अटेंड किए थे हम उस हाँ कल ना हम लोग ग्रुप में दिल्ली विश्वविद्यालय में है चंदन झा और जो बोलने वाले लोग थे वो सब परिचित मेरे थे उन्होंने कहा था ग्रुप में ये सूचना दे दीजिए और अच्छा बोले थे वो लोग बहुत अच्छा बोले और सब्जेक्ट भी अच्छा रखे थे तो चंदन वो हम नहीं देख पाए जो गुरु जी आप बता रहे थी ना थी वो नहीं जो कार्यक्रम संस्कृत बोलने ऑनलाइन संस्कृत बोलने का जो आपने किया था ना वो उसकी बात बता रहे हम कौन वो तो हमारे हमारे 3 बजे रात को थी वो तो हम देख ही नहीं पाए थे तब कौन बोलने वाली किया था अच्छा जो जो 20 दिन का चालू है ना वो वाला अच्छा आप ज्वाइन कर ली हाँ हो गया ज्वाइन चलिए अभ्यास हो जाए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा है ठीक कौन पढ़ा रहे हैं आपको हम आपको पता है वो धीरज जी ने तो 3 स्लॉट भेज दिया था 2 हमने देखा एक अभिषेक पांडे रात को लेकिन उनका रात का टाइमिंग बड़ा लेट है 10:30 से 11:30 जब हमारे सोने का टाइम है नहीं, तो एक सुबह का सुबह का एक लिए है वो विनय शुक्ला कोई है वो पढ़ा रहे हैं सुबह 9:30 से 10:30 नहीं 8:30 से 9:30 अच्छा हमारे सुबह उनका शाम का 7 बजे का है तो दोनों लेके रखे हैं कि कभी एक मिस हो जाए रात में जल्दी सो गए तो सुबह वाला अटेंड कर लेंगे सुबह अगर मिस हो गया अगर स्कूल में चले गए तो रात वाला अटेंड कर लेंगे ठीक ठीक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वजह से दे दिए ना बिना रजिस्ट्रेशन के आपके नाम पे नहीं पढ़ाना ही उद्देश्य है और खास करके आप बाहर बैठी हैं भारत के लोगों के लिए तो कहते हैं और आपके लिए व्यवस्था अलग से बनानी पड़ेगी ना अब जो लोग अपने बाहर चले गए क्या उनको अधिकार नहीं संस्कृत पढ़ने का अरे उनको ज्यादा अधिकार है वहां के लोग तो फिर भी पढ़ लेंगे हमको कौन पढ़ाएगा ठीक है धन्यवाद धन्यवाद